गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने प्लेंटी हेल्पिंग डीज के लिंगुअल फ्लूक में ऑस्ट्रेशन की क्रियाविधि के बारे में अपन ने पढ़ा था। अब इस वीडियो लेक्चर में अपन टेफ्रम या टीनियस ओलियम के उत्सर्जी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है। इसमें भी टीनियस ओलियम में भी जो उत्सर्जी तंत्र होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लैम सेल्स का ही बना हुआ होता है। इसमें भी जो इसकी जो फ्लैम सेल्स होती है वो रूपांतरित मेजेन कैमल या पेरिकैमल टिश्यू से बनी हुई कोशिकाओं की रूपांतरित कोशिकाओं द्वारा बनती है और ये भी आकृति में एनीमित होती है और इसमें भी सुडोबोरिया पाए जाते हैं। और इस जो फ्लैम सेल्स होती है टीनियस ओलियम की, इस फ्लैम सेल्स में भी ल्यूमन या अवकाशिका पाई जाती है और इस ह्यूमन के चारों तरफ इसका जो द्विध्रुवीय होता है इसमें द्विध्रुवीय प्रबल पाए जाते हैं और ये जो द्विध्रुवीय प्रबल होते हैं इन्हें कूटपाद या शुडोपोडिया कहा जाता है। ये जो इसके जो कूटपाद होते हैं वो टीनियस ओलियम की पेरेंटाइमल टिश्यू में धंसे हुए होते हैं, और यहाँ से पेरेंटाइमल टिश्यू से ये कूटपाद उत्सर्जी पदार्थों या नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों को विसरण द्वारा इसके ल्यूमन में ले लेते हैं। अब इस फ्लैम सेल्स में लंबे लंबे सीलिया पाए जाते हैं जो एक लौकी भांति धमनी गति करते रहते हैं और इस सीलिया का जो उद्गम होता है टीनियस ओलियम के सीलिया का उद्गम भी बेसल ग्रैनुल या आधारिक नलिका के द्वारा होता है, बेसल ग्रैनुल या आधारिक नलिका के द्वारा होता है। और ये जो ल्यूमन जो होती है फ्लैम सेल्स की जो ल्यूमन होती है वो एक कैपिलरी डक्ट द्वारा किसी दूसरी वाहिका में खुलती है और केशिकाओं का या वाहिकाओं का एक जाल बनाकर टीनियस ओलियम के उत्सर्जी तंत्र में ओपन होती है। अब जो टीनियस ओलियम का जो उत्सर्जी तंत्र होता है पीताकर्मी का उत्सर्जी तंत्र होता है, जैसा कि पीताकर्मी चपटा और लंबा प्राणी होता है तो इसका उत्सर्जी जो तंत्र होता है वो लीवर फ्लूक के उत्सर्जी तंत्र से थोड़ा भिन्न होता है। इसमें क्या होता है, चार टीनियस ओलियम के उत्सर्जी तंत्र में चार लॉबिक्यूलर कैनाल होती है, चार लॉबिक्यूलर कैनाल होती है और चारों लॉबिक्यूलर कैनाल इसके शरीर से आगे से पीछे की तरफ होती है और चारों लॉबिक्यूलर कैनाल दो लेटरल भाग में पाई जाती है तो इनको एक्चुअली लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल बोला जाता है, लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल बोला जाता है। और ये दोनों पार्श्व की लॉन्गिट्यूडिनल जो कैनाल होती है एक तो डोर्सल कैनाल होती है, डोर्सल साइड में पाई जाती है और एक वेंट्रल कैनाल होती है, वेंट्रल पार्ट में पाई जाती है। ये जो डोर्सल साइड की जो लॉन्गिट्यूडिनल जो कैनाल होती है ये स्कोलेक्स भाग के साथ कुछ प्रॉब्लम के प्रति सीमित होती है और उसके बाद ये डोर्सल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल नहीं पाई जाती है, लेकिन जो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल जो कैनाल होती है वो पीताकर्मी की संपूर्ण देह में आगे से पीछे की तरफ सभी प्रोग्लोटिड्स में पाई जाती है। और जो इसके जो उत्सर्जी तंत्र में ये जो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल जो कैनाल होती है, ये जो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल होती है ये वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल प्रत्येक खंड में एक अनुप्रस्थ कैनाल द्वारा भी जुड़ी रहती है, ट्रांसवर्स कैनाल द्वारा भी जुड़ी रहती है। ये जो ट्रांसवर्स कैनाल होती है वो पीताकर्मी के अंतिम खंड को छोड़कर सभी खंडों में ट्रांसवर्स कैनाल पाई जाती है और ये जो अनुप्रस्थ कैनाल होती है ये वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल द्वारा देह के पश्च खंड में जुड़ी हुई रहती है, प्रत्येक देह के पश्च खंड में जुड़ी हुई रहती है। इसके साथ ही पीताकर्मी का जो अंतिम खंड होता है अंतिम प्रोग्लोटिड होता है उसमें ये
ट्रांसवर्स कैनाल नहीं पाई जाती है। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल लॉन्गिट्यूडिनल जो कैनाल होती है यही एक कोडल वेसिकल में होती है, एक कोडल वेसिकल में होती है, और कोडल वेसिकल में ही ये अपना एक्सक्रेटरी पदार्थ या औसत के पदार्थों को कोडल वेसिकल में स्थानांतरित कर देती है। और ये जो कोडल वेसिकल होता है ये कोडल वेसिकल एक्सक्रेटरी पोर द्वारा बाहर शरीर से बाहर होता है। और इसी एक्सक्रेटरी पोर या उत्सर्जित क्षेत्र की सहायता से उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अब ये जो स्कोलेक्स भाग के रोस्टेलन के नीचे प्रोटोनेफ्रिडिया का जाल होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया का जाल होता है, इसको प्रोटोनेफ्रिडियल नेक्सस कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रिडियल नेक्सस। अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसके जो एंटीरियर जो पार्ट होता है, स्कोलेक्स जो पार्ट होता है, प्राथमिक जो पार्ट होता है पिता कर्मी का, इसमें बहुत ज्यादा उपापचय क्रिया होती है, तो बहुत ज्यादा उपापचय क्रियाओं के से होने से इसमें अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित पदार्थों या अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोटोनेफ्रिडियल जो नेक्सस होता है इसको लेक्स भाग में, ये पूर्ण उत्सर्जित पदार्थों को अवशोषित करके बाहर निकालता रहता है। अब इसकी ये जो लॉन्गिट्यूडिनल जो कैनाल होती है, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल जो कैनाल होती है टीनस मीडियम या पिता कर्मी में, ये अंदर से क्यूटिकल द्वारा आश्रित रहती है, क्यूटिकल द्वारा आश्रित रहती है, बल्कि जो छोटी छोटी वाहिकाएं होती है उसकी अंदर की जो सतह होती है वो सीलिएटेड होती है, अंदर की सतह होती है वो सीलिएटेड होती है। अब इसकी उत्सर्जन की जो क्रियाविधि होती है उसमें होता क्या है, उपापचयी उत्सर्जन की क्रिया देखें तो होता क्या है कि पिता कर्मी में जो उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो निर्मित उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इसके मेसेनकाइमल उत्तक या में इकट्ठे रहते हैं या उसमें पाए जाते हैं, और मेसेनकाइमल उत्तक से या मेसेनकाइमल पार्ट से ये जो फ्लेम सेल्स के जो सुडोपोडिया या उत्पाद होते हैं वो विसरण द्वारा इस उत्सर्जित पदार्थों को अपने जीवन में ले लेते हैं। इसके द्वारा फ्लेम सेल्स में की जो ल्यूमन होती है उसमें ये उत्सर्जित पदार्थ आ जाते हैं, और फ्लेम सेल्स के जो सीलिया होते हैं उसकी तरंगित गति के माध्यम से ये जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो अवकाशिकाओं के नेटवर्क या जाल से होते हुए अनुदैर्ध्य उत्सर्जित नालों में आ जाते हैं। यहाँ से अनुदैर्ध्य उत्सर्जित नालों की सहायता से ये कोडल वेसिकल में आ जाते हैं, और कोडल वेसिकल द्वारा ये उत्सर्जित क्षेत्र द्वारा बाहर निकाल लिए जाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि समय समय पर क्या होता है, पिता कर्मी में एपोलिसिस के माध्यम से इसके अंतिम देहखंड शरीर से टूट के अलग होते रहते हैं, तो ये कोडल वेसिकल तो अंतिम जो खंड में ही पाया जाता है, तो कोडल वेसिकल तो अलग हो गया। अब उत्सर्जित होता उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन जो होता है वो ये जो अनुप्रस्थ जो कैनाल होती है या वेंट्रल जो कैनाल होती है, वेंट्रल कैनाल के जो लॉन्गिट्यूडिनल जो वेंट्रल कैनाल होती है उसके जो प्रत्येक पार्श्व में जो छिद्र होते हैं वो ही उत्सर्जित छिद्र का कार्य करने लग जाते हैं, वो ही उत्सर्जित छिद्र का कार्य करने लग जाते हैं, इसके साथ उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो पिता कर्मी के जो स्कोलेक्स भाग में नेफ्रिडियल नेक्सस होता है, स्कोलेक्स भाग में नेफ्रिडियल जो नेक्सस होता है होता क्या है कि इसमें जो स्कोलेक्स भाग में उपापचयी क्रियाओं की अत्यधिक मात्रा होती है या अत्यधिक मात्रा में उपापचयी क्रिया होती है, इसके माध्यम से जो भी उत्सर्जित पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं नेफ्रिडियल या प्रोटोनेफ्रिडियल जो नेक्सस द्वारा उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पिता कर्मी का उत्सर्जित तंत्र जिसमें चार अंतर्निहित नाले होती हैं और इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है।